बिजली मीटर लगा के सरकार बिहार में गुंडागर्दी कर रहा है, गरीब का खून चूस रहा है। बिजली मीटर से गरीब का खून चूसा जा रहा है। पहले 300 रुपया लगता था, अब 3000 रुपया लग रहा है। तो सरकार अपना एटीएम खोल रखा है जो पैसा काटने के लिए जो जनता का घर घर लगा दिया हुआ। स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार में है तो वहाँ मचा हुआ है, क्या परेशानियाँ हो रही है? पूरा परेशानी ही परेशानी स्मार्ट मीटर में है। क्या गरीब के खून चूसा जा रहा है? खून चूसा जा रहा है एकदम। पहले भी भारत सरकार का हो या बिहार सरकार का हो, सरकारी का ना मीटर था, तो जिसके यहाँ पहले मीटर सरकारी मीटर से 300 रुपया बिल आता था। हाँ। वो कौन बिल भेजता था? वो तो सरकारें भेजता था बिल ना, बिजली विभाग भेजता था। आज वही बिल उतना ही खर्चा हो रहा है और बिल आ रहा है इसमें स्मार्ट मीटर लगने से 3000 रुपया। 3000 रुपया 300 वाला का 3000 आ रहा है। और उसके बाद पहले पैसा देना पड़ता है। ये क्या है, गरीब के खून चूसना ही ना हुआ? जो 300 में पहले काम होता था वो 3000 में हो रहा है। तो गरीब के खून चूस के सरकार अपने खजाना में लेके इलेक्शन लड़ रहा है, नेता लोग यही कर रहा है। मंत्री बोले हैं जो मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं तो ज्यादा पैसा लगवे नहीं करते, तो बिजली मीटर में रिचार्ज कराने ज्यादा पैसा कैसे लग जाएगा? वो मंत्री है तो बोलवे ना करेंगे, तो दलाल है। नेतागिरी को देश के नेता लोग बिजनेस बना लिया। अरे जनता लोग मीटर उखाड़ के फेंक रहा है, काहे काहे नहीं फेंकेगा? 300 का बिल 3000 आ रहा है। भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, ये जनता के साथ एकदम अन्याय कर रहा है। भी गरीब किसी तरह दो पैसा कमा रहा है, उसको पहले पैसा देना पड़ता है। वो पैसा अगर फंस गया तो गया, 15 दिन के बाद में आएगा कि 10 दिन के बाद में फंस गया, फंस गया मतलब पैसा मीटर में फंस जाता है। अच्छा, तो आपस नहीं आता है, वह आपस आता है 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद। फिर पैसा लगाइए, यानी आपका पैसा पहले सरकार ले रहा है और फिर तब बिजली दे रहा है। जनता को सिरिंच से खून खींचा जा रहा है और उसको विदेश में बेचा जा रहा है। अभी भारत सरकार बिहार सरकार सब वही कर रहा है। अरे ऊर्जा मंत्री तो बोले हैं कि पहले बहुत बिजली की समस्या रहती थी, लोग कहते थे ज्यादा बिल आ जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा लगाओ स्मार्ट मीटर लगाओ जिससे कि जनता को परेशानी नहीं हो। आप लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद ही ज्यादा परेशानी होगी। मुख्यमंत्री तो पतल चट्टा है बिहार के, इनको तो कोई उपाय नहीं है, मोदी जी के गोर धो के पी रहे हैं, डर रहे हैं। अरे आप लोग जो है स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, इधर दूसरे राज्य से आ रहा है यहाँ सीखने के लिए कि हम अपने राज्य में इसको भी लागू कराएं। 7-8 राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं। ये ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का कहना है कि 7-8 राज्यों की टीम यहाँ आकर गई है सर्वेक्षण करके, जो उन राज्यों में भी लागू हो। ये सब पेपर की बात है, जमीन पर कुछ नहीं है। ऊर्जा मंत्री आए और घर घर जाके जनता से हाल पूछे, जनता उनका मुंह नोच लेगा। ये गरीब 300-400 रुपया 200 रुपया किसी तरह रोज कमा के अपना पेट पाल कर रहा है और उसको 3000 का बिल आ रहा है। देख कहाँ अन्याय ना इसका कोई। अरे बिजली जलाइएगा तो बिल नहीं आएगा। पहले भी तो जलाते थे ना, पहले तो 300 का काम होता था, एक महीना में 300। वही सरकार ना पैसा लेता था, वही सरकार ना बिल देता था। आज वही सरकार गरीब का खून चूस रहा है, 300 का 3000 कर रहा है। एडवांस किए हुआ है क्या? मीटर में जादू मंत्र लगाए हुआ है, कुछ नहीं होता है। मीटर में भी वही हाल है। अच्छा आप लोग कह रहे हैं कि बिजली मीटर में ये है वो है, हाँ, जो कंपनियां यहाँ लगा रही है उनको केंद्र सरकार कई बार सम्मानित कर चुके हैं। केंद्र सरकार सम्मानित किसको कर रहे हैं? कंपनी को कर रहे हो। कंपनी कहाँ का है? गुजरात का है। सारा चीज तो गुजराते का है। हर स्टेट के आदमी को हर स्टेट के शोषण किया जा रहा है। हर स्टेट, यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ के स्टेट के आदमी को शोषण किया जा रहा है। कहा बोलती बंद रखो नहीं तो तुम्हारा करेक्टर खराब कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर इतना केस ठोका जाएगा कि तुम साइलेंट रहेगा। मजबूर में क्या करेगा आदमी, चुप है। मोदी जी जो है वो अन्य राज्यों को भी बोले हैं कि बिहार के राज्य के जैसे ही स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। कोई नहीं लगा रहा। अभी देखे हैं भागलपुर में, बिहार में ना भागलपुर है। हाँ।
भागलपुर में देखे हैं, एक भी स्मार्ट मीटर नहीं है। सारा जनता वहां का जागरूक हो गए और सारा स्मार्ट मीटर को निकाल के फेंक दिया। किसी का हिम्मत नहीं हुआ ये स्मार्ट मीटर लगाए। क्या सीखेगा? यही सीखेगा, वहां का जनता जागरूक है, हम लोग का जनता जागरूक नहीं है। हमारे यहाँ का इसलिए मजबूर है, कमजोर है, इसलिए अपना बर्दाश्त कर रहा है, क्या करेगा। अरे राजद एक अक्टूबर से मीटर हटाओ अभियान शुरू करने जा रहे हैं। राजद नहीं करने जा रहा है, पूरे बिहार का जनता करने जा रहा है। अच्छा, पूरे बिहार का जनता एक एक मीटर उठा के फेंक देगा। वही रखेगा जो पूंजीपति वाले लोग है, वो मीटर रख रहे हैं। विजेंद्र यादव बोले हैं कि ये अनर्गल है, ये नाजायज काम है, यदि इस तरह काम करेंगे तो हम कार्रवाई भी करेंगे। हाँ हाँ, सबको मरवा देंगे वीरेंद्र यादव, सारे पब्लिक को मरवा देंगे और अकेले पूरे भारत में, पूरे बिहार में बीजेपी खाली आदमी रहेगा। जो बीजेपी का वोटर होगा वही पूरे भारत में रहेगा, जो बीजेपी का वोटर नहीं होगा वो पूरे भारत में रहेगा। उत्तर कोरिया जैसा शासन करवाना चाह रहे हैं भारत में, क्या यही ना आप कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो मंत्री जी कह रहे हैं कि ये गलत बात है, किसी विषय को गलत समझ लेना ये गलत बात है, इसी को लेकर इसी की आवाज उठा रहे हैं ना राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को वो पंजाबी पूर्व विधायक है बीजेपी का, हाँ, कहा जिस तरह तुम्हारा दादा को, तुम्हारे दादी को, तुम्हारे पिता को मारा गया, उसी तरह तुम्हें भी मार दिया जाएगा। अच्छा, धमकी तो दिया जा रहा है ना। जनता तो कमजोर है, जनता भी सुन रहा है, मगर राहुल गांधी कमजोर नहीं है, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। अरे स्मार्ट मीटर लगाने से क्या परेशानी हो रही है आपको? स्मार्ट मीटर लगाने से हर आदमी स्मार्ट नहीं हो जाएगा, बहुत आदमी 70% 60% आदमी जो है जाहिल आदमी, उसको मालूम नहीं है, रिचार्ज कराने जाता है, पैसा उल्टा सीधा काट लेता है, उसके बाद बिजली विभाग में दौड़ता है तो वह मतलब जो है काट लेता है पैसा जो है, और मीटर सही काम नहीं करता है, डबल तीनगुना बिल आता है उसका जो है, नजाय लगा हुआ है मीटर जो है, नजायज लगा हुआ है, गलत लगा हुआ है, किसी को रिचार्ज नहीं करने आता और ज्यादा पैसा इसमें आता। पहले भी बिजली बिल सरकारी मीटर में लगाया हुआ था, सरकारी मीटर में था, अभी तक जो है इसमें पब्लिक को कुछ बुझाता ही नहीं है, जो मन करता है काटते रहता है, पैसा भराते रहता है, तो सरकार अपना ATM खोल रखा है जो है पैसा काटने के लिए जो जनता का। अच्छा जी, ATM खोल रखा है, ATM घर घर लगा दिया हुआ, खून पूछने के लिए व्यवस्था किए हुआ। अरे सरकार तो जनता के सुविधा के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं ATM? सुविधा के लिए की हुआ तो जनता को सुविधा कहा, उसको डबल टेबल पैसा लग रहा है। अच्छा, पैसा लग रहा है, नाजायज पैसा लग रहा है उसको।